हेलो एवरीवन दिस इज योर फ्रेंड स्वामित्र चौधरी एंड जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंट एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में उसका एप्लीकेशन एक्सोजेनिक फोर्सेस से क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं इन सब पॉइंट्स पे हमने लास्ट क्लास को खत्म किया था अब देखो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ये सारी जो लास्ट क्लास की चीज़ें हमने क्यों पढ़ी थी ये इसलिए पढ़ी थी ताकि हम मेन टॉपिक की बात कर पाए टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्लेट टेक्टोनिक्स पहला टॉपिक हमारा रहेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उसमें मैं पैजो मैग्नेटिज्म वगैरह बताऊंगा सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी थर्ड टॉपिक रहेगा सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी एंड फोर्थ टॉपिक रहेगा आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ओके okay. अब पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि ये थ्योरीज हम पढ़ते क्यों हैं इन थ्योरीज का मोटिव क्या है इन थ्योरीज का एक्चुअल मोटिव ये है कि जो हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मैप है तो इन जोग्राफर्स ने ये बताने की कोशिश की कि बताने की कोशिश की है कि वर्ल्ड का मैप जो अभी कंटेम्प्रेरी वो बना कैसे क्या ऐसे रीजन है कि अमेरिका आपके नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे है नीचे साउथ ईस्ट साउथ वेस्टर्न साइड साउथ साउथ अमेरिका है ईस्टर्न पार्ट में एशिया है ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन कैसे हुई अलग अलग एरिया में किस टाइप के क्लाइमेट्स वगैरह मिलते हैं किस तरीके के फॉजल्स वगैरह डिपोजिशन वगैरह होते हैं किस तरीके के मिनरल्स मिलते हैं इन्हीं सब चीज़ों का आंसर ढूंढने की कोशिश की जर्नी को हम क्या बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ठीक है टेक्टोनिक्स टेक्टोनिक्स मतलब क्या रहता है मूवमेंट ऑफ प्लेट्स दो टाइप के प्लेट्स होते हैं एक आपका क्या होता है प्लेट प्लेट जैसे कि एशिया अफ्रीका ये कॉन्टिनेंट का प्लेट रहता है ये जनरली कौन से मटेरियल का बना रहता है सियाल. सियाल बोले तो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम है ना हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था आप लोगों को शायद याद होगा अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि लिथोस्फेयर ब्लॉक्स वगैरह होते हैं लिथोस्फेयर ब्लॉक्स के क्या कंटेंट्स रहते हैं कोर में क्या चीजें रहती है है ना क्रस्ट दो टाइप के होते हैं एक ओशनिक क्रस्ट होता है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है तो ये आपका कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट हो गया ये एक्चुअली क्या प्लेट्स क्रस्ट क्रस्ट है ये क्रस्ट और अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो एक्चुअली लिथोस्फेयर के ब्लॉक्स है फियर के बड़े बड़े ब्रॉक्स है लेथोस्फियर की लेंथ कितनी होती है वन से हंड्रेड किलोमीटर जिसमें क्रस्ट और मेंटल आ जाएगी आप लोगों को बहुत बार डाउट आ रहा था इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि दिमाग में बैठ जाए कॉन्टिनेंटल प्लेट सियाल से होता है उसी तरह एक ओशनिक प्लेट होता है ओशनिक प्लेट होता है जैसे कि पैसिफिक ओशन प्लेट इंडियन ओशन प्लेट ओशन प्लेट ये आपका किससे बना रहता है सीमा सीमा बोले तो सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम

तो पानी का ट्रेमेंडस प्रेशर पड़ता है इस प्रेशर की वजह से क्या होता है पानी कंप्रेस हो जाता है ठीक है अब देखो नॉर्मल किसी चीज को कंप्रेस करोगे तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी बढ़ेगी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है चलो फिजिक्स के फॉर्म में भी समझ लो मास अपॉन हर्ड फॉर्म में पता होना चाहिए वॉल्यूम ठीक है अब डेंसिटी कब बढ़ेगी डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ कैसा इनवर्स रिलेशन होगा इनवर्स रिलेशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट में क्या हो वॉल्यूम बढ़ रहा है

कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकता है ओशनिक प्लेट भी हो सकता है ये ओशनिक प्लेट भी हो सकता है किसी भी टाइप के प्लेट्स हो सकते हैं नीचे जमीन के अंदर धस जा रहे हैं ये एक ओवरव्यू व्यू इन्हीं सब के बारे में हमें अंदर बात करनी है डिटेल में ओके okay? कौन कौन सी थ्योरीज हमें पढ़नी है प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए फाइनल जो देखो आखिरी जो आपका आएगा सबसे लेटेस्ट थ्योरी जो है

ये वाले जो कॉन्टिनेंट वगैरह सी सरफेस के ऊपर दे दिए थे आखिरी था प्लेट टेक्नोलिक थ्योरी ये काफी सबसे बड़ी थ्योरी है इसने पूरा एक तरीके से पूरा पोस्टमार्टम कर दिया था कि भाई कॉन्टिनेंट आज के डेट में ऐसे क्यों है हालांकि इस थ्योरीज में भी काफी क्रिटिसिज्म है पर दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी बात शुरू करते हैं ठीक है, Continental Drift Theory. अब बहुत ध्यान से और हमेशा मैंने क्या बोले क्लास में ये खुला होना चाहिए दिमाग का आपका एकदम फुल खुला होना चाहिए रटने का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा बस एक्चुअल नहीं होनी आपको ठीक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक नाम से क्या लग रहा है एल्फ्रेड ये जर्मन बंदा था इसने 19 थ्योरी 1912 से अपनी थ्योरी के हाइपोथेसिस शुरू किए थे फिर इवेंचुअली जा जाके इसने एक कॉन्क्रीट थ्योरी दी थी इसको क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब कॉन्टिनेंट्स का कैसे करके ड्रिफ्ट हो रहा है है ना अब देखो इसने पहले कुछ कुछ एजोम्पन्स लिए थे इसके पहले मैं बताता हूं कुछ कुछ एजम्पन्स की पहले बात करता हूं एजोम्शंस क्या लिए थे कि सियाल विल फ्लोट ओवर सीमा सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट करेगा इसका मीनिंग क्या ऐसा कुछ बोल रहा है ये सीमा है और ये सियाल है इसका मीनिंग इसका मीनिंग क्या हुआ कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो आपके ओशनिक प्लेट के ऊपर फ्लोट करेगा ऐसा कुछ देखो ये जो मेरा मोबाइल है ये क्या हो गया आपका ओशनिक प्लेट इसके ऊपर कॉन्टिनें कहीं पे फ्लोट कर रही है ऐसे जो रिमोट है ये मैंने क्या बता दिया कॉन्टिनेंटल प्लेट ये फ्लोट हो रही है और इसकी इसके वजह से इसका मूवमेंट हो रहा है पहला assumption. सेकेंड एजम्पन क्या लिया था इसने कुछ फोर्सेस के बारे में बात की थी इसने बोला था कि नेचर में कुछ कुछ फोर्सेस होती है सबसे पहला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स बता दिया कि हाँ सन मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सेकेंड आपका क्या हो गया टाइडल फोर्स टाइड्स वगैरह जो रहते हैं हाई टाइड लो टाइड टाइडल फोर्स हो गया थर्ड आपका क्या हो गया पोलार फ्लिंग फोर्स पोलार फ्लिंग ये एक्चुअली रोटेशन अभी तमान के चलो ये रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है ये फोर्स आपके रोटेशन ऑफ अर्थ के वजह से होता है बात समझ में आई ठीक है अर्थ रोटेट हो रहा है आपका ईस्ट टू वेस्टर्न डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो इसके वजह से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसे बोलते हैं हम पोलार फ्लिंग फोर्स है ना फिर अगला फोर्स आपका हो जाएगा बॉइंट फोर्स बॉइंट फोर्स बॉइंट फोर्स क्या चीज होती है फिजिक्स पढ़िए बेसिक नाइन टेंथ की मान के चलो एक टब है टब को मैंने पानी से भर दिया उसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक की बॉल डाल दी बॉल नहीं डूबती क्यों नहीं डूबती क्योंकि पानी जो रहता है उसका एक अपथ्रस लगता है अपथ्रस लगता है तो वो बॉल को डूबने नहीं देती ठीक उसी तरह ये बॉय फोर्स का काम इसने क्या बताया सीमा जो कि ओशनिक प्लेट है ओशनिक प्लेट है ये ओशनिक प्लेट है मेरा लेफ्ट हैंड ये जो वाला हाथ हो गया ये एक ओशनिक प्लेट है इसके ऊपर ये जो मुट्ठी मैंने बनाई है ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है

देख ही दो तीन दिन से मैं क्लियर कर रहा हूं कोई से भी जेन्युन कमेंट्स वगैरह होंगे मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा मैं नहीं चाहता कि इसमें बच्चों को किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो <coughs> अब देखो यह इसने ले अगली बात इसने क्या की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में क्या बोला था एज पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक बड़ा सा लैंड मार्स है जिसका नाम है पेंजिया ठीक है विच इज कवर्ड बाय अग ओशन नोन एज पैंथलासा ऐसा कुछ ये अर्थ हो गया आपका अर्थ हो गया अर्थ में एक सेंटर में एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है और ये ओशन बॉडी है ये कॉन्टिनेंट इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या हो रहा है ये जो कॉन्टेक्ट कॉन्टिनेंट है दैट ओवर सीमा ओशनिक बॉडी तो इस कॉन्टिनेंट का नाम क्या देखा इसने पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट बोला था इसे ये प्री एरा मतलब कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले ऐसा कंडीशन था अर्थ ऐसा हुआ करता था एक ही कॉन्टिनेंट था पैंजिया और एक ही बड़ा सा ओशन था पैंथलासा ठीक है अब देखो इस कॉन्टिनेंट ये जो कॉन्टिनेंट इस पे फ्लोट कर रहा है इसपे कौन सी फोर्स लग रही है सॉरी इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स टाइडल फोर्स एंड पोलर फ्लिंग फोर्स अभी सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स और टाइडल फोर्स देखो ठीक है ग्रेविटेशन टाइडल फोर्स और बॉइंड फोर्स इन तीन फोर्स लग रही तो ग्रेविटेशन फोर्स जो मान लो ये सन है सन और मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके वजह से ये जो लैंड मास है लैंड मास को मैं ऐसे बना देता हूं लैंड मास है ये छोटे 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 मतलब एक तरीके से इसमें गैप जो वीक वाला क्रस्ट होगा इसमें गैप पड़ने लग जाएगा और गैप पड़ने की वजह से क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल टाइडल और बॉइंड फोर्स इस जो कॉन्टिनेंट को है दो पार्ट में तोड़ देंगे ठीक है दो पार्ट में तोड़ देंगे एक ये बड़ा सा मैंने कॉन्टिनेंट बनाया दो पार्ट में तोड़ देंगे ऊपर वाले पार्ट का नाम क्या हो गया लॉरेंशियल प्लेटू नॉर्थ में और नीचे वाले का नाम क्या हो गया गोंडवाना लैंड इसी को इसी कॉन्टिनेंट को दो पार्ट में तोड़ दिया इन्फोसिस ने नीचे वाले का नाम क्या हो गया गोंडवाना लैंड इसको लॉरेंशियल या फिर अंगारा लैंड भी बोलते हैं लॉरेंशियल प्लेटू या अंगारा लैंड और गोंडवाना प्लेटू नीचे वाला ठीक है और बीच में एक समुद्र आ गए इनके इस समुद्र का नाम क्या रख दिया तेथिसक्लाइन तेथिस अब सवाल यह उठता है है सी लिखा हुआ ना ये तेथिस सी दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में आ गया देखो ऐसा कुछ है ये क्या किया इसको दो पार्ट में तोड़ दिया जो पेंजिया था ये मान लो ये पेंजिया ये पेंजिया है और ये पैंतला इसको दो पार्ट में तोड़ दिया ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया लॉरेंशियल और नीचे वाला गोंडवाना बीच में आ गया एक्चुअली तेथिस एक्चुअलीक्लाइन होता है एनी वॉटर बॉडी विच इज कंफाइंड बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स

से सेमी ड्रेन हो रही है तो इसका क्या होता जा रहा है धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है लेवल किसका जो बॉटम जो, जो जो सी बॉटम सर्फिस उसका लेवल बढ़ता जा रहा है तो इसकी डेप्थ कम होती जाएगी शालू होता जाएगा तैतीसेंट लाइन अब वेदनर भाई ने क्या बोला कि लॉरेशिया में कौन कौन से अभी कंटेम्प्रेरी टाइम कौन कौन से कॉन्टिनेंट है यूरेशिया एशिया प्लस यूरोप एशिया प्लस यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ये दोनों मिलकर क्या बोलना आपका लॉरेंशियल पैटू फिर गुंडवाना लैंड गुंडवाना लैंड में क्या बोला अभी की डेट में साउथ अमेरिका जोड़ा है अफ्रीका इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका बात समझ में इतना किसने बोल दिया अपने वेग्नर भाई ने ओके इसको रिमूव करते इधर तक बात समझ में आ गई अब इसके आगे क्या बोलेगा देखो यहां इसने जैसी ये चीज बोली

सेकेंड स्टेज ठीक है अब मैं बनाने जा रहा हूं थर्ड स्टेज ठीक है सेकेंड स्टेज हो गया अब यह हो गया आपका थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज में क्या आएगा इसमें इसने क्या बोला जो तीनों फोर्सेस वगैरह थी और ज्यादा डायरेक्शन में लगती गई इसमें और ज्यादा लगती गई तो अल्टीमेटली क्या हो गया लॉरेंशल लैंड नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया में टूट गया और गोंडवाना लैंड साउथ अमेरिका अफ्रीका इंडिया एंटार्टिका ऑस्ट्रेलिया में टूट गया ठीक है छोटे 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 पीसेस हो गए इसके जो कंसोलिडेटेड रॉक पार्टिकल्स थे फिर अब आएगा फ्लिंग फोर्स का रोटेशन हो ठीक है इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ पड़ा है, है ना अब इसके रिएक्शन reaction में रिएक्शनरी फोर्स बोलेंगे को फ्लिंग फोर्स को पोलर फ्लिंग फोर्स अर्थ के रोटेशन को कंपनसेट करने के लिए ये सारे वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे बात समझ में आई वेस्ट डायरेक्शन में ये सारी चीजें मूव करना शुरू करेगी कौन कौन से नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया साउथ अमेरिका अफ्रीका इंडिया एंटार्टिक ऑस्ट्रेलिया <coughs> जैसे वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी तो देखो इनने क्या बोला कंट... इनने ये बोला कि वेस्ट वेस्टवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट के वजह से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मैप बनेगा जैसे एक और बार मैं बता रहा हूं कि ये अलग अलग डायरेक्शंस पर आके स्थिर हो जाएंगी तो थर्ड स्टेज में देखो कैसा बताया ये इक्वेटर हो गया ठीक है रफ में, में आ रहा वर्ल्ड मैप बनाया डायग्राम देखो ज्यादा अच्छा नहीं है मेरा तो इनने ये बोला कि साउथ अमेरिका ये सारे साउथ अमेरिका वेस्ट साइड ड्रिफ्ट होगा ये आपका साउथ अमेरिका बन गया नॉर्थ अमेरिका भी वेस्ट साइड ड्रिफ्ट होगा पोलर पोलॉफलिंग फोर्स के वजह से तो ये नॉर्थ अमेरिका आ गया यूरोप एंड एशिया यूरेशिया उसी डायरेक्शन में रहा अफ्रीका का थोड़ा अपसाइड मूवमेंट हो गया अफ्रीका यहां पर रहा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी मूवमेंट होने लगा ठीक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा डिफरेंशियल मूवमेंट हुआ है। ये नहीं बता पाया कि इंडिया देखो अगर वेस्ट डायरेक्ट वेस्ट साइड मूव होता तो यहां पर पहुंच जाता पर इंडिया ऊपर साइड नॉर्थ साइड में पहुंच गया तो देखो ये इनका पहला हमें इनके थ्योरी में दिख गई कि आप क्या बोल रहे हो कि अर्थ के रोटेशन जो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है उसको कंपनसेट करने के लिए न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ऐसे मूवमेंट सारे कॉन्टिनेंट्स को वेस्टवर्ड मूव होना चाहिए पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऊपर क्यों जा रही है पहला क्रिटिसम तो वेग्नर के पास इसका कोई जवाब नहीं था आगे चलते हैं ठीक है तो एक तरीके से क्या क्या बता दिया? पूरा अपनी क्या बता दिया दिया पूरा थ्योरी कि इस इस तरीके से तीन स्टेजेस में सबसे पहले पैंजिया पैंथलासा था तीन फोर्सेस लगी उसके वजह से टूटा गोंडवाना अंगारा लैंड बना फिर उसके ऊपर फोर्सेस लगी पोलर फ्रिंग फोर्सेस के वजह से अभी वर्ल्ड मैप आ गया सिंपल सी थ्योरी थी अब देखो जितनी सिंपल इनकी थ्योरी थी उससे बहुत ज्यादा भयानक और कॉम्प्लिकेटेड इनके क्रिटिसम्स थे ऑनलाइन पर हम पहले कुछ कुछ एविडेंसेस देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि हां कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेग्नर की बिल्कुल सही थी जो गुणवाना लैंड अंगारा लैंड ये सारे जो फीचर्स बताए थे वो एकदम सही थे एविडेंसेस देखते हैं हम लोग है ना तो जैसे कि आप देखोगे यहां पे इसको क्या बोलते हैं जिग्जॉफ इट एविडेंसेस की बात कर रहे हैं एविडेंसेस टल थ्यूरी ऑफ परफेक्ट सबसे पहला क्या है ZIG. ये, ये सब नाम लिखना है आपको गोंडवाना लैंड को याद करो क्या बताया था गोंडवाना लैंड को एक बार चलो देख ही लो ठीक है इसमें बताया था साउथ अमेरिका अफ्रीका इंडिया अंटार्टिक ऑस्ट्रेलिया साथ में अब मैं क्या कर रहा हूं साउथ अमेरिका और अफ्रीका को पकड़ के चल रहा हूं इसमें इसने क्या बताया इसने ये बोला कि एक टाइम पे दोनों साथ में हुआ करते थे अब अगर आप पजल बनाओगे पजल जैसे जेग्जेक्ट पजल्स वगैरह बनाते तो तो साउथ अफ्रीका का अमेरिका का जो ये ब्राजील यहां पे ब्राजील है ब्राजील का जो बल्ज है अफ्रीका के गल्फ ऑफ गोना वर्ल्ड मैप साथ साथ देखना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है दोनों जाके एक तरीके से फिट हो जा रहे हैं इसका मीनिंग क्या हुआ इसका मीनिंग ये हुआ कि हां एक टाइम पे ये दोनों साथ में थे पहला एविडेंस हो गया सेकेंड एविडेंस हो गया पैलियो क्लाइमेटिक पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस ने क्या बोला ध्यान से समझना कि वेगनर ने देखा कि इक्वेटोरियल रीजन पे

इक्वेटोरियल रीजन से पास, होते? गुएना, ब्राजील से पास हो रही, equator, जीरो डिग्री वाला के साथ मतलब एज फेस, फेस किया होगा तो ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिलेंगे क्लाइमेटिक एविडेंस पहला सेकेंड फॉजल डिपॉजिट्स अगर आप देखोगे फॉजल डिपॉजिट्स वगैरह में क्या चीज मतलब मेन आएगी इसमें कि पोलर रीजन्स में जैसे यूरोप वगैरह में कोल्ड पेट्रोलियम मिल रहा है अब एक बात बताओ कोल्ड पेट्रोलियम एक्चुअली में बनता कैसे है बेसिक नाइन टेंथ की जोग्राफी में आपने पढ़ा है जब भी प्लांट्स एनिमल्स का अर्थ के अंदर सम्मर्जेंस हो जाता है फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद विद इंटेंस टेम्परेचर हीट प्रेशर में वो फॉजल फ्यूल्स कोल्ड पेट्रोलियम बन जाते हैं अब मैं जैसे पोलर रीजन्स में जा रहा हूँ वहाँ पर पे तो पेड़ पौधे होने नहीं, नहीं चाहिए तो वहाँ पर कोल्ड पेट्रोलियम कैसे मिल रहा है

इसने क्या बोला है अगर आप वर्ल्ड मैप को सामने खोल के रखना जो अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है है ना अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसा कुछ रहता है ये ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री पे एक्सिस टर्न है। है ये आपका क्या हो गया जोग्राफिकल नॉर्थ पर इसी के कंपैरिजन में एक एंगल बन रहा है ठीक है डल एंगल बन रहा है ये आपका क्या हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ अब ये मैगनेट अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड सवाल जुड़ता है आती कैसी है देखो अर्थ के अंदर क्या है मैग्मा है मैग्मा में क्या है मोल्टन आयरन है जब भी मोल्टन आयरन का मूवमेंट होगा आयरन का मूवमेंट होगा तेजी से मैग्मा के अंदर तो वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगी उस मैग्नेटिक फील्ड को कौन गेन कर लेगा जो अर्थ के अंदर जो बड़े बड़े रॉक के स्ट्रक्चर्स हैं वो गेन कर लेंगे और जहाँ पर वो रॉक के स्ट्रक्चर्स जाके कन्फाइन हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा अर्थ का एक मैग्नेटिक पोल हो जाएगा अब वो डिपेंड करते है। जैसे नॉर्थ साइड में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट हो रहा है मतलब नॉर्थ साइड में जो आपके मोल्टेन आयरन का मूवमेंट वगैरह हो रहा है तो नॉर्थ में जाके मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइन हो जाएगी रॉक्स में जाके आज के डेट में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है कैनेडा से शिफ्ट हो रही है साइबेरिया में इसको हम बोलते हैं पैलियो मैग्नेटिक एविडेंस ठीक है कैनेडा से शिफ्ट हो रही है कहाँ पे कैनेडा मैप इमेजिन करना कैनेडा से रशिया में शिफ्ट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो धीरे 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 चेंज हो रही है अब इससे वेगनर की बात कैसे सही प्रूव होती है ध्यान से समझना इस बात को इनने क्या देखा कि कैनेडा ठीक है नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ एशिया नॉर्थ यूरोप के जो रॉक के स्ट्रक्चर है उनकी जो मैग्नेटिक पोलैरिटी है ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं नॉर्थ अमेरिका और साथ ही साथ आपका यूरोप के जो रॉक के स्ट्रक्चर की मैग्नेटिक फील्ड्स है रॉक की जो अब मैग्नेटिक पोलैरिटी है वो सेम है अब सेम कैसे हो सकती है जब ये एक टाइम पे एक साथ एक ही जगह रहे होंगे वही मैग्नेटिक फील्ड ये रॉक्स पकड़ के बैठ गई है तो ये सबसे बड़ा एविडेंस पैलियो मैग्नेटिक एविडेंस मैं लिख देता हूं नाम यहां पर पैलियो 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 मैग्नेटिक एविडेंस मतलब कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एक टाइम पे साथ में रहा होगा तीन मेन मेन इट पैलियो क्लाइमेटिक पहली मैग्नेटिक एविडेंस ये चीज समझ में आ गई ठीक है अलग अलग और एविडेंसेस वगैरह क्या है इसके बारे में हमने बात किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉजल्स अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोजल्स कैसा इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉजल्स का यहीं पे दे देता हूं आप देखोगे कि जो फॉजिल स्ट्रक्चर नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका के आर सिमिलर टू नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के फॉज मीन दोनों कॉन्टिनेंट में सेम टाइप के फॉजल्स टाइप के फॉजल्स कब मिलेंगे जब किसी लैंड फॉर्म पे एक तरीके के जानवर होंगे और एक ही टाइम पे जमीन के अंदर समझ हो फॉर्जल फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हुई होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पे टाइम पे जो फॉजल्स के जो प्री रेमिनेंट्स वगैरह हुआ करते थे जिनके वजह से फॉजल्स बना वो एक ही साथ हुआ करते थे और कहां पे ये एक ही साथ हुआ करते थे लॉरेंशियल लॉरेंशियल प्लेटू में ठीक है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन ठीक इसी तरह अगर मैं आपसे देखो ये बताऊंगा ये देखो इसकी बात अगर मैं करूं कि ये बल्ज ऑफ ब्राजील है साउथ अमेरिका का बल्ज ऑफ ब्राजील और गल्फ ऑफ गोएना है इसका जो रॉक स्ट्रक्चर है ब्राजील और गोगेना का जो रॉक स्ट्रक्चर है उसकी एज सिमिलर है तो इसका मतलब क्या है ये एक टाइम पे एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट रहे होंगे डेट इज गोंडवाना लैंड ओके फिर अपेरेंट एफिनिटी टू द फिजिकल फीचर्स इसका एग्जाम्पल आपको कैसे देखने को मिलेगा कि माउंटेन स्ट्रक्चर नॉर्थ अमेरिका के जो माउंटेन्स है फॉर एग्जाम्पल एपलेशियन माउंटेन्सलेियन माउंटेन्स का किसके साथ मिलजो हो रहा है यूरोप के जो है वगैरह एक तरीके का माउंटेन स्ट्रक्चर है एक तरीके के रॉक के मटेरियल्स वगैरह है तो इससे हमें क्या प्रूफ देखने को मिल रहा है कि हाँ फिजिकल स्ट्रक्चर सेम है तो ये साथ में रहे होंगे ठीक है जैसे कि एटलस माउंटेन की कार्पेथीन माउंटेन से सिमिलैरिटी है ये सारी चीजें वगैरह बता देती है कि फिजिकल स्ट्रक्चर सेम है ओके okay? थर्ड आपका क्या हो गया बोटानिकल एविडेंस जो हमने फॉजल्स वाली बात की थी फॉजल्स हो गया प्लांट्स हो गया एनिमल्स जनरली आप जो देखोगे इक्वेटोरियल अफ्रीका और ब्राजील का जो एमेजॉन फॉरेस्ट है वहां पे जो वनस्पति जो बायोडाइवर्सिटी एक टाइप की है तो ये क्या बताती है कि ये दोनों एक टाइम पे एक साथ देखो एन नंबर ऑफ एविडेंसेस मिल जाएंगे ठीक है प्लेसर deposits, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के चलो यह आपका ब्राजील है और यह आपका यह आपका हो गया अफ्रीका ठीक है अब देखो ये वाला पार्ट यहां पे फिट हो रहा है ये दोनों फिट हो रहे हैं इसी को एविडेंस बोल रहे हैं अब हम बात करें प्रेसर देपॉजित्स। प्रेसर देपॉजित्स क्या रहते हैं गोल्ड डायमंड इन सब के डिपॉजिट्स जब भी सैंड में सैंड में कई नदी है जैसे कि अपने झारखंड में एक नदी सुवर्ण रेखा नाम पड़ा है उसका पानी थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन टाइप का देखने को मिलता है क्यों क्योंकि उसके सैंड में छोटे 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 गोल्ड चु� के पार्टिकल्स रहेंगे ठीक उसी तरह ब्राजील में जो बीचेस में बीचेस में जो प्लेसर डिपॉजिट्स है जैसे गोल्ड वगैरह के डिपॉजिट्स जो गोल्ड के डिपॉजिट्स यहाँ पे मिलते हैं वही गोल्ड के डिपॉजिट्स यहां पे गुएना में मिलते हैं गुएना एक कंट्री है तो इसका मीनिंग क्या हो गया दोनों में सेम टाइप के गोल्ड टाइप के मटेरियल्स प्लेस डिपॉजिट्स मिल रहे हैं तो बेस्ट एविडेंस कि ये दोनों एक टाइम पे साथ में रहे होंगे ठीक है टेलाइट डिपॉजिट्स टेलाइट डिपॉजिट्स मैंने जो बात की थी कि इक्वेटोरियल रीजन जैसे यहां से देखो इक्वेटर पास हो रहा है इक्वेटोरियल रीजन पे

और साउथ अमेरिका और ये नीचे साथ में अंटार्क्टिका के साथ रहे होंगे तो इनने भी आइस एज फेस किया है ठीक है पोलर पोलारिंग की बात कर ली हमने पोलर जो मैग्नेटिक फील्ड जो एक टाइप का रॉक स्ट्रक्चर में मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है फॉर एग्जाम्पल कैनेडा और यूएसए कैनेडा कैनेडा और आपका नॉर्थ ये नॉर्थ यूरोप वगैरह में एक तरीके के मैग्नेटिक फील्ड जो रॉक रॉक्स के जो देखने को मिलते हैं ये किसका एविडेंस हो जाता है पोलर वैंडरिंग का कि हाँ एक टाइम पे इनमें सेम टाइप की सेम टाइप की मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई होगी अभी अलग अलग हो गए तो इसलिए रॉक स्ट्रक्चर की जो मैग्नेटिक फील्ड वो सेम है ठीक है अब देखो यही जो चीज है मैंने बताई वो आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगी बल्ज ऑफ ब्राजील और गल्फ ऑफ गोएना सेम टाइप का मिल रहा है ग्रीन लैंड प्रॉपरली फिट हो रहा है एल्समेन वगैरह आइलैंड बेफिन आइलैंड ऑफ कैनेडा मैप में देखते जाइएगा ये सब मैप देखो जब भी मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा मैप आपका जिस भी एरिया में पढ़ा रहा हूं मैप आपका खुला होना चाहिए बिना मैप के ज्योग्राफी ढंग से समझ में नहीं आएगी थोड़ा एफर्ट्स आपके तरफ से भी लगेंगे आई बनना है यूपीएससी निकालना है तो सिर्फ इसके भरोसे नहीं होगा मैंने क्या बोला है? इसके भरोसे आपको मेरी एफर्ट्स के साथ साथ आपके भी कॉम्प्लीमेंटेड एफर्ट्स होने चाहिए ठीक है फिर वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ठीक है फिजिकल मेडागैसकर अफ्रीका अगर आप जोड़ोगे ठीक है इंडिया अफ्रीका ठीक है Madagascar, ये देखो ये मैडागैसकर है यह अफ्रीका है ये इंडिया है तो ये पूरा ज्वाइन हो जा रहा है पजल की तरह ये सब के एविडेंस है यही सब चीजें आपको मीन्स के आंसर्स में लिखनी है ठीक इसी तरह नॉर्थ अमेरिका वन साइड नॉर्थ अमेरिका यूरोप वगैरह ओशन के इस तरफ जुड़ जाते हैं ठीक है एप्लेशियन माउंटेन्स यूरोप के माउंटेन्स जो मैंने बताया था ये एक तरीके के मतलब स्ट्रक्चर वगैरह से बने हैं जिन माउंटेन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन कर रहा था माउंटेन्स के नाम आपको रिटर्न फॉर्म में दे दिए गए हैं ठीक है अब आ जाते हैं हम इसकी कड़ी निंदा में ठीक है अब हम इसकी अगर देखो इतनी अच्छी थ्योरी होती तो भाई इसके आगे आगे, आगे की थ्योरी आने की जरूरत क्यों हुई होती इसी को फाइनली एक्सेप्ट कर लेते ना क्या रीजन से कि इसके सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ ना? अब इनने बोला सबसे पहले इनने क्या बोला था जिग्जो एविडेंस जिग्जो बहुत अच्छा बोला कि ब्राजील आपके गल्फ ऑफ गोयना में फिट हो जा रहे इंडिया मेडागास्कर के साथ फिट हो जा रहे हैं तो इसका सबसे पहले क्रिटिसिजम आया एक्जोजेनिक फोर्सेस एक्सोजेनिक फोर्सेस एक्सोजेनिक फोर्सेस ने क्या बोला कि हो सकता है कॉन्टिनेंट्स वगैरह जो है ये इरोड भी तो हो सकते हैं इरोड होके चेंज हो सकते हैं ठीक है चेंज हो सकते हैं शेप चेंज हो गया एक्सोजेनिक फोर्सेस के वजह इरोजन डिपोजिशन के वजह से तो इसलिए फिट हो गए होंगे जरूरी थोड़ी है है तो तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। आप बोल रहे हो कि भाई एक टाइम पे क्या बोलते हैं साथ में थे अब अलग अलग हो गए तो इसलिए सेम स्ट्रक्चर फिट हो जाएंगे हो सकता है अलग अलग ही थे और वापस से इरोजन हो गया तो उस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया एड हो गया आपस में जुड़ जा रहे हैं कोंसिडेंटली कॉन्सिडेंस भी तो हो सकता है ठीक है अब इनने क्या बोला फैक्टर्स एबल टू कॉज अ ड्रिफ्ट जो कॉन्टिनेट्स का ड्रिफ्ट हो रहा था वेस्ट साइड में है ना ये आपको क्या लगता है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स टाइडल फोर्स 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 देखो टाइडल कितनी रहती है सिर्फ छह मीटर तक समुद्र के पानी को उठा पाती है हाई टाइड तो क्या ये फोर्स इतनी स्ट्रांग कि इतनी स्ट्रांग मोटे मोटे तगड़े तगड़े कॉन्टिनेंट्स को तोड़ के मूव करा दे भाई ये बात हमें को जमीनी जो इसने फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग फोर्स के बारे में बात की थी ठीक है अब इनने क्या बोला कि हो सकता है पोल्स भी शिफ्ट हो गए होंगे जैसे हमने क्या बोला कि मैग्नेटिक जो पोल फील्ड्स है अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ की कैनेडा से साइबेरिया की तरफ शिफ्ट हो रही है पोलर बैंडरिंग है ना तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड्स के मैग्नेटिक पोल्स हो शिफ्ट हुए जरूरी थोड़ी ना कि कॉन्टिनेंट्स वही के वही हो पोल्स वगैरह शिफ्ट हो रहे हो अर्थ नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ चले जा रहे हो मैग्नेटिक उसके वजह से रॉक्स की जो पोलैरिटी रैक्स रॉक्स के जो स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हो रहे हो है ना पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई सब ये कॉन्टिनें ही साथ में थे बात समझ में आई अब क्या बोला रॉक्स ऑफ सेम एज एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन द अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू मैंने यहां पे क्या बोला कि ब्राजील का जो रॉक स्ट्रक्चर है ग्वेना के रॉक स्ट्रक्चर से ऐसे सिमिलर है तो इससे मैंने बोल दिया कि हाँ भाई एक टाइम पे गोणवाना लैंड पे साथ थे अब एक आपको एक चीज बता रहा हूं जो कोला पैलेंस होना है रशिया का उसका भी रॉक स्ट्रक्चर ब्राजील से मिलता है अब कहा रशिया ऊपर साइड और ब्राजील कहां नीचे साइड रशिया लॉरेंशियल पैटू का पार्ट था लॉरेंशियल लैंड का और आपका ब्राजील गोंडवाना लैंड का दोनों के बीच में तो इनके थ्योरी के हिसाब से कोई कॉन्सोडेंसी नहीं है अब कॉन्सोडेंसी तो कैसे करके हो सकता है कि दोनों के रॉक स्ट्रक्चर सेम हो

ने यह चीज बोली थी कि मेजोय केरा से ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ क्यों उसके पहले किसी ने डॉक्टर ने मना किया था कि ड्रिफ्ट नहीं हो सकते वेगनर से कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि मेजॉय केरा ही क्यों पर्टिकुलर ये टाइम पीरियड ही क्यों जहां और तो बहुत पहले से रोटेट हो रही है जब से बनी है थर्टी मतलब बिलियन ईयर पहले से तो इसी टाइम पे क्यों इसका भी जवाब बेचारे के पास नहीं था अब सबसे बड़ी बात इनने बात कर ली कि कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट हो रहा है भाई ओशन मूव नहीं मूव कर सकते ओशन प्लेट भी तो होते हैं है ना तो इनने सिर्फ मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स की बात की थी ओशन के मूवमेंट्स की बात नहीं की थी प्रूफ जो इनने दिया है, ये जनरल इनने लिया था कि सीआर फ्लूट कर रहा है सीमा के ऊपर प्रूफ क्या है प्रूफ की बात नहीं की थी तो एजम्पन्स पे थे इसलिए ये थोड़ा सा जनरलिस्टिक थ्योरी हो गया वही बात आ गई देखो बॉइंट फोर्स टाइडल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स इतनी वीक फोर्सेस है ग्रेविटेशन फोर्स वगैरह स्ट्रांग नहीं है तो ये कॉन्टिनेंट्स को कैसे तोड़ेंगे इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को और तोड़ के मूव कैसे कराएगी ये सबसे बड़ा क्रिटिसिजम आ गया ठीक है अब देखो जो मॉडर्न जो सबसे इनकी पापा थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये एक्सेप्ट तो करती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ पेंजिया पेंजिया के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करती है पर पेंजिया के एक्सटेंस हाँ इनने बोला कि भाई ठीक है की इतनी बात मांग ली कि पेंजिया था पर आगे की जो कहानी थी उसमें बहुत ही डिफरेंशियल एक्सप्लेनेशन दिया बात समझ में आई आपको ठीक है बहुत ही डिफरेंशियल एक्सप्लेनेशन मतलब वो दिया तो यहां पे हमारा पूरा एनालिसिस खत्म होता है अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी से बात स्टार्ट करेंगे कन्वेक्शन करंट थ्योरीज ने कैसे करके इसको सॉल्व किया फिर नेक्स्ट आएगा आपका सी फ्लो स्पेडिंग थ्योरी फाइनल हम नेल को हिट करेंगे किसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थैंक यू सो मच होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया आपके जो भी डाउट्स होंगे आप पूछें मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा थैंक यू